अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आपको थर्ड वीक के चौथे दिन खुशामदीद कहते हैं। आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 7 पर सबक तीसरा है मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर। मैं पढ़ूंगी, आप मेरे साथ दोहराएंगे, ठीक है? मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर टंडे बागे में जन्म वरतो, तालीमी ऐं समाजी ख़िदमत जे करे सिंदस नालो सिंध में वॾी इज़त ऐं एतराम सां वरितो वेंदो आहे। मीर साहब हिकु वॾी जागीरदार हूंदी बि पंहिंजी वक़्त फ़क़ीरी ऐं ग़रीबी में गुज़ारींदो हो। जागीर जी पैदाइश जो वॾो हिसो ग़रीबनि ऐं मिसकीननि खे ख़ैरात तौर दही छड़ियो हो। क्या मतलब हुआ इसका, मैं आपको साथ साथ मीनिंग भी बताती हूँ। मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर टंडे बागे में जन्म वरतो, मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर टंडी बागों में पैदा हुए, तालीमी ऐं समाजी खिदमत जे करे तालीमी और समाजी खिदमतों की वजह से सिंदस नालो सिंध में वड्डी इज्जत ऐं एहतराम सां वरतो वेंदो आहे। उनका नाम सिंध में बड़ी इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। मीर साहब एक बड़ी जागीरदार होंदे। मीर साहब एक बड़े जागीरदार होने के बावजूद पंहिंजो वक़्त फकीरी ऐं गरीबी में गुजारींदो हो, गरीबों और दरवेशी में गुजारते थे। जागीर जी पैदाइश जो वॾो हिसो गरीबनि ऐं मिसकीननि खे ख़ैरात तौर ॾेई छॾींदो हो। जागीर का अपनी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा गरीबों और मिसकीनों में खैरात के तौर पर देते थे। जी लाइन चारियन मां लगन करे केस गरीबन जी हालतन जो घणो आजमूदो हो। दुनिया में लोगों से मिलने जुलने की वजह से उन्हें गरीबों की हालत का ज्यादा अंदाजा था। इन करे केस ख्याल थियो त सिंध में गरीबन आई मिसकीनन जे बारन के तालीम देने जो बंदोबस्त करे। इसी ख्याल के लिए उन्होंने सिंध में गरीबों और मिस्कीनों के बच्चों की तालीम का बंदोबस्त किया। इन लाए सा हिन पेंजी गोट टंडे बागे में पेरियन हिक नंदलो अंग्रेजी स्कूल कोणन जो बंदोबस्त कियो। इसी इरादे से उन्होंने अपने गांव टंडे बागों में पहला अंग्रेजी स्कूल छोटे बच्चों के लिए खोलने का बंदोबस्त किया। इन सां गड इसके साथ ही बोर्डिंग हाउस विभाग खोलियाई, बोर्डिंग हाउस भी खोला जिन्हन मां शागिर्दन के कादो पीदो मुफ्त देण जो बंदोबस्त किया, जहां पर उन्होंने बच्चों के लिए तालिबे इल्मों के लिए खाने पीने कादो पीतो खाने पीने का मुफ्त बंदोबस्त भी किया। कज अरसे का पोए शहर जी बारन हाई स्कूल आई हॉस्टल लाए ही कालीशान इमारत जोड़ियाई, जिथे बेन सा गड हारियन नारियन जी बारन के बा आनी तालीम दियाई। कुछ अरसे में बड़े बच्चों के लिए हाई स्कूल और हॉस्टल की एक शानदार इमारत कायम की गई, जहां दूसरे बच्चों के साथ हारियों के बच्चे किसानों के बच्चे भी तालीम हासिल कर सकते थे। एहो स्कूल एहा ताई कायम है, ये स्कूल आज तक कायम है। आई मीर गुलाम मोहम्मद तालपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल जे नाले सा मशहूर आए और मीर गुलाम मोहम्मद खान गवर्नमेंट हाई स्कूल के नाम से मशहूर है। मीर साहब एक रहमदिल आई दीनदार इंसान हो। मीर साहब एक रहमदिल और दीनदार इंसान थे। सुरजी मौसम मां खिजा के मौसम में जिदन लाड़ मां मौसमी तप पकड़जी वेंदो आहे, जब सिंध की शदीद गर्मी में मौसमी बुखार फैलता है, तिडन हु पेंजी खर्च सा डॉक्टर घुराए, तब उन्होंने अपने खर्च से डॉक्टर्स को बुलाया। ता महीना ता में गरीबन जो मुफ्त इलाज कराइंदो हो, वहां पर मरीजों का मुफ्त इलाज कराया जाए। मीर साहब जनानी तालीम आई सेहत लाइबा खास बंदोबस्त कियो। मीर साहब ने औरतों की तालीम और सेहत के लिए भी खास बंदोबस्त किया। टंडी बागे में छोकरियन जी तालीम लाए स्कूल कोलियाई, टंडी बागे में ही अपने गांव में ही उन्होंने लड़कियों के लिए भी तालीम का लड़कियों के लिए भी तालीम के लिए स्कूल खोला।
जालन जी इलाज लाए, औरतों के इलाज के लिए ही डॉक्टर यानी रखियाई औरतों के इलाज के लिए एक डॉक्टर डॉक्टरनी को भी कभी बंदोबस्त किया गया। आई वेम घरबा कायमकियन और उसके लिए घर भी बनाया गया। एड़ी तरह लक चुप इसी तरह चुप 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 आके भलाई जब दया अनेक कम करिया भलाई के दूसरे बहुत से काम किए। अंग्रेजी सरकार सिंदस खिदमत जो कदर केंदी केस खान बहादुर जो लकब दियो। अंग्रेजी सरकार ने उनको उनकी खिदमतों की वजह से खान बहादुर का लकब दिया। हिंद ने कई सखी मर्द ये नेक और सखी आदमी 1932 में वफात पाई। हर साल टंडे बागे में सिंदस वर्सी मलाइंदी विंदी आहे। हर साल टंडे बागे में उनकी बरसी मनाई जाती है। प्यारे बच्चों, ये आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको इसके अल्फाज मायने बताती हूँ कि वो आपको कैसे करने हैं। प्यारे बच्चों, आप ऐसे करेंगे कि मार्जिन ड्रॉ करेंगे, चैप्टर की हेडिंग डालेंगे और यहाँ डेट और डे मेंशन करेंगे, ठीक है, जैसे कि आप करते हैं। उसके बाद अल्फाज मायने की हेडिंग डालेंगे, तीन लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक में सिंधी, एक में उसके उर्दू मीनिंग और एक में इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। अब हम लफ्ज है जन्म वर्तो पैदा हुए बॉर्न, वडी बड़ी या बड़े बिग, घणो ज्यादा या बहुत मोर, बारन लड़के बॉयस, गोट गांव विलेज, कोलन खोला ओपन, कादो खाना फूड, हारियन किसान विलेजर्स, सुर खिजा ऑटम, जालन औरतें वुमेन, ठीक है। बच्चों, आप ये अल्फाज मायने लिखेंगे। आज के दिन का यही काम है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।